आबकारी अधिनियम के तहत राजसात किए गए वाहनों की शीघ्र नीलामी होगी। इसके लिए प्रशासन स्तर पर एक टीम गठित कर उक्त वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है। पहले वाहनों का मूल्यांकन होगा, फिर नीलामी की तिथि निर्धारित की जाएगी। कार्यवाही से जहां विभाग को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं शराब माफिया तक यह संदेश जाएगा कि पकड़े जाने पर वाहनों की नीलामी होगी। इसके साथ ही थानों में भारी मात्रा में कन्नम हो रहे वाहनों से थाना परिसर भी साफ होंगे। की जा रही कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि शीघ्र ही मूल्यांकन कर नीलामी की कार्यवाही संपन्न होगी। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी है। आबकारी की कार्रवाई में लगातार तेजी के चलते थानों में काफी संख्या में गाड़ियां खड़ी हो गई थी, जो कि आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई थी, उन सबको नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अभी हम लोगों ने लगभग 45 के आसपास गाड़ियां आइडेंटिफाई की हैं और एक टीम जो है, 3 मेंबर टीम रहती है, वो उसका मूल्यांकन कर रही है। फिर एक दिन निश्चित करके उनकी सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाएगी। इसका लाभ ये रहेगा, एक तो जो तस्करी करते हैं शराब की, उनको एक मैसेज जाएगा कि उनके वाहन नीलाम कर दिए गए हैं, और दूसरा कि हमारे थानों की साफ सफाई में भी हमको काफी सहयोग मिलेगा। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।